IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं ये कार्यक्रम थ से थकावट। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, खूब मस्ती हो रही है। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। अच्छा ये बताओ तुम लोग कर क्या रहे थे भाई? हम पकड़ा पकड़ाई खेल रहे थे। ओहो, पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। अच्छा ये बताओ तुम्हें खेलने से थकान नहीं होती? नहीं, खेलने से भी कोई थकान होती है, उससे तो चुस्ती आती है। हाँ ये बात तो है भाई, खेलने से तो चुस्ती आती है, लेकिन थुल थुल के साथ तो ऐसा नहीं था। ये थुल थुल कौन था? अरे थुल थुल था एक हाथी। तो आज बच्चों मैं आपको उसी हाथी की कहानी सुनाऊंगा। मेरी कहानी का नाम है था से थकावट, थुल थुल की थकावट। हाँ भाई, एक हाथी बहुत ही आलसी था, ढीला ढाला थल्लड़ मल्लड़ थुल थुल सा, जरा भी चुस्त नहीं था वो, इसीलिए उसका नाम थुल थुल पड़ गया। उसके सब साथी कहते कुकड़ू कू, अरे थुल थुल भैया थोड़ी कसरत किया करो। अरे थुल थुल, तुम इतना सारा खाना खाते हो हैं, थाली भर भर कर, अरे थोड़ा काम भी कर लिया करो भैया। था से थकावट, शाबाश। बिल्कुल, था से थकान, शाबाश, बिल्कुल सही। था से थाली, बजाओ इसी बात पर ताली। था से थोड़ा, अरे दीवा ने बिल्कुल सही बताया भाई, था से थोड़ा, शाबाश। पर बच्चों थुल थुल किसी की बात सुनता ही नहीं था, दिन भर पैर फैलाकर सोता रहता। तो बच्चों एक दिन थुल थुल सोया हुआ था, तभी चुपके चुपके चोर भेड़िया आया। हाँ बच्चों, उसने कपड़े का एक बड़ा सा थान चुराया था। था से थान, शाबाश। थान क्या होता है? थान, अच्छा कौन बताएगा थान क्या होता मैं है? मैं बताऊँ। आप बताओ। वो कपड़े का बड़ा सा रोल होता है ना। हाँ शाबाश शाबाश, मेरी दुकान में देखा है, मेरी मम्मी भी खरीदती है। अरे वाह क्या बात है, बजाओ इसी बात पर जोरदार ताली। शाबाश भाई, हमारे बच्चे तो बहुत होशियार हैं। एक बात और बताऊँ मैं आपको? हाँ, बताओ। बच्चों एक ही थान में आप सबकी फ्रॉकें और कमीजें बन सकती हैं। सुनाओ ना कहानी। फिर चोर ने क्या किया? सुनाता हूँ बच्चों, आगे की कहानी भी सुनाता हूँ। हाँ तो भेड़िये ने कपड़े का वो थान एक बड़े से थैले में रखा। था से थैला, शाबाश। उसने देखा कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है, तो उसने चुपके से वो थैला छुपा दिया। और पता है कहाँ छुपाया? मैं बताता हूँ कहाँ छुपाया। थुल थुल पैर फैलाकर जमीन पर सोया हुआ था ना। हाँ तो भेड़िये ने वो थैला थुल थुल के कान के पीछे छुपा दिया। कान के पीछे? हाँ पता कैसे? सुन ऐसे। हाँ कपड़े का ये थान जो मैं चुरा कर लाया हूँ, इसे कहाँ छुपाऊँ? पुलिस मेरे पीछे लगी है, कहाँ छुपाऊँ? हाँ थुल थुल हाथी सोया हुआ है, इसे कोई खबर ही नहीं है। एक काम करता हूँ, इसके कान के पीछे छुपा देता हूँ। हाँ अब इसको थुल थुल के कान से ढक देता हूँ। हाँ ये बात तो है, ये जगह भी क्या ढूंढी उसने। बच्चों उस चोर ने थुल थुल के कान से उस थैले को ढक दिया और भाग गया।
अरे भागो, अरे भागो। और जानते हो बच्चों, पुलिस ने थुलथुल को चोर समझकर पकड़ लिया। कहाँ जाएगा तू थुलथुल? अपने कान से इस थैले को ढका हुआ था है, जिसमें थाने कपड़े का। तो क्या चोर को पुलिस स्टेशन में बुलवाया? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने क्रिश, यानी उसे थाने में बुलवाया। था से थाना। तब थानेदार ने कहा, था से थकना, था से थकावट, था से थकना, था से थोड़ा। अरे वाह क्या बात है, था से थपेड़ा, था से थप्पड़। वाह बजाओ ताली सी बात है, क्या बात है। तो तब था से थानेदार ने कहा, थानेदार कौन था? खरगोश, कुत्ता, गीदड़, लोमड़ी, जिराफ। अब तो थानेदार जिराफ ही बनेगा। बजाओ सी बात पर ताली। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, थानेदार जिराफ ने थुलथुल से कहा, ए थुलथुल, तुमने कान के पीछे चोरी का माल छुपाया, अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो बच्चों, जानते हो हाथी का बोला? क्या बोला? हाथी बोला नहीं, डर गया। अरे थानेदार जी, मैंने चोरी नहीं की। तो थानेदार जिराफ बोला, क्या कहा तुमने? चोरी नहीं की? तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास चोरी का माल है। और जानते हो उसने एक जोर से थुलथुल को थप्पड़ मारा। और बच्चों, उसके बाद थुलथुल डर के मारे थूक सटक कर पता क्या बोला? थुलथुल बोला, अरे थानेदार साहब, अरे मैं तो बस पैर फैलाकर सो रहा था, न जाने किस चोर ने चोरी करके थैला मेरे कान के पीछे छुपा दिया। थानेदार साहब, मैं चोर नहीं हूँ। हाँ तो बच्चों, था से थैला और था से थानेदार, था से थप्पड़। वाह क्या बात है, था से थर्मस, था से थैला, था से थोड़ा, थोड़ा, क्या बात है। तो इसी बात पर कहानी आगे बढ़ाएं। तो बच्चों, थानेदार ने दो थप्पड़ और मारे थुलथुल को। पटाक पटाक, अरे मर गया। थानेदार साहब, मुझे क्यों मारते हो थानेदार जी? थुलथुल रोने लगा बच्चों। तो थानेदार बोला, तुम इतने बड़े आलसी हो कि तुमने पास आए चोर को भी नहीं पकड़ा। अरे थुलथुल, आलस छोड़ आलस। तो पता बच्चों, थप्पड़ पड़ा ना तो थुलथुल थिरक कर नाचने लगा। पता कैसे? हाँ तो बच्चों, थप्पड़ खाकर थुलथुल की सारी थकान मिट गई। था से थकान, था से थोड़ा, था से थकान, था से थकावट, था से थर्मस, क्या बात है। हाँ तो बच्चों, थप्पड़ खाकर थुलथुल की सारी थकान मिट गई। उसने अपने कान पकड़ लिए, बड़े बड़े कान पकड़ लिए। और पता क्या कहा? हाँ, उसने कहा, अरे थानेदार साहब, मैं कसम खाता हूँ, मैं सौगंध लेता हूँ कि अब मैं कभी भी आलस नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ? अरे फिर तो वही हुआ जो होना था बच्चों। अब तो थुलथुल दूर दूर तक दौड़ जाता, फटाफट भागने लगा झटपट, और खत्म हुई उसकी था से था।
सोता थल्लड़ थुल्प धम धम, जरा सा चल के वो थक जाता, जरा सा चल के वो थक जाता, चलता रुक रुक थम थम, चलता रुक रुक थम थम, था से होता थल्लड़ थुल थुल, था से थक और थम थम। कितने थुल थुल तुमने चलना छोड़ा, थाली भर भर खाना खाते काम भी कर लो थोड़ा, था से थे और था से थुल थुल, था से थाली थोड़ा। चोर भेड़िए ने थैले में रख चोरी का थान, छुपा दिया सोते थुल थुल हाथी का ढक कर कान, था से थैला था से थुल थुल, था से होता थान। पकड़ा थाने दार ने थुल थुल को बुलवाया थाने, कपड़े का है थान छुपाया कान के पीछे तूने, था से थानेदार थुल थुल, था से थान और थाने। थूक सटक कर कहे थुल थुल, मैं सोता पैर को फैला, न जाने किसने चोरी कर खूब छुपाया थैला, था से होता थूक थुल थुल, था से होता थैला। थप्पड़ खाकर थुल थुल की मिट गई सभी थकान, थिरक के नाचा आलस छोड़ा पकड़ा अपना कान, था से होता थप्पड़ थुल थुल, थिरका और थकान। अब तो दूर दूर तक थुल थुल दौड़ के जाता झटपट, थोड़ी थोड़ी करके मिट गए थुल थुल की थकावट, थुल थुल की थकावट, थुल थुल की थकावट, थुल थुल की थकावट, थुल थुल की थकावट। था से थकावट। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर नेहा वत्स, रक्षित और बच्चे, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।